Hello everyone, I am Aishwa Singh and you are watching my channel Newton's Hub, A Complete Place for Learning. So students, हम एक और वीडियो के बारे में बात करेंगे. यहाँ पे हमारा टॉपिक चल रहा था क्लास 10th मैथ्स के लिए पॉलिनोमियल्स टॉपिक, विच इज चैप्टर नंबर 2 इन एनसीईआरटी बुक्स. ओके, सो हम रिलेशनशिप अमंग जीरोज फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर चुके थे. अब यहाँ पे हमने क्यूबिक इक्वेशन ली है और इस क्यूबिक इक्वेशन के लिए हम बताएंगे कि इसके जीरोज में और इसके कोफिशियंट में क्या रिलेशनशिप होता है. सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. अगर इसके जीरोज हैं अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. हेयर बी इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ए इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब. वी हैव टू रिमेम्बर इट. ऑल्सो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, वेयर सी इज इक्वल्स टू कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड ए इज इक्वल्स टू कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब. एंड अल्फा बीटा गामा, इट मीन्स के मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल जीरोज इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए. हेयर डी इज द कॉन्स्टेंट टर्म इन द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन एंड ए इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब. सो तो इससे हम रिलेशनशिप जो जीरोज के बीच में है और जो कोफिशियंट के बीच में है उसको प्रूव कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं. तो आपको क्वेश्चन किस तरीके से बन के आता है देखिए. फाइंड वेदर 4 माइनस 2 1 अपॉन 2 आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल. ये क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स आपको दिया गया है, विच इज 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8. अब आपको बताना है क्या 4 माइनस 2 और 1 अपॉन 2 इसके जीरोज हैं. तो कोई भी इक्वेशन हो, वेदर इट इज क्यूबिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन, किसी भी तरह की इक्वेशन हो, अगर जीरोज को वेरीफाई करना है, फाइंड आउट करना है कि ये जीरोज हैं या नहीं है, पुट द वैल्यू ऑफ दीज इन प्लेस ऑफ एक्स. तो हमने क्या किया, एक्स की जगह पर ही पुट कर दिया. दिस इज पी फोर इज इक्वल्स टू टू, फोर क्यूब माइनस फाइव, फोर स्क्वायर माइनस फोर्टीन, फोर प्लस एट. हमने इस वाली इक्वेशन में एक्स की जगह फोर पुट कर दिया है. तो हियर जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इट इज कमिंग जीरो, जीरो आ रहा है हमारा. पी माइनस टू, माइनस टू के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में देखिए हम पुट करेंगे 2 माइनस 2 क्यूब माइनस 5 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 14 माइनस 2 प्लस 8. जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे इट इज ऑल्सो कमिंग 0, ये भी आपका 0 आ रहा है. और पी 1 बाई 2 जब हम इसमें रखेंगे ये भी आपका 0 आ रहा है. तो अगर आपकी कोई भी वैल्यू पुट करके x की जगह पर 0 आता है, इट मीन्स इट इज दी 0 ऑफ दी गिवन पॉलिनोमियल. ठीक है, तो ये आपका जीरो आ रहा है, इट मीन्स कि ये फोर माइनस टू और वन बाय टू इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं. आगे देखिए, अब हमें क्या करना है, इसके कोफिशियंट और इसके जीरोज के बीच में रिलेशनशिप प्रूव करना है. तो हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लेके चल रहे हैं. तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये रहा आपका अल्फा बीटा गामा, थ्री जीरोज ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल. हमने इनको ऐड किया, फोर प्लस माइनस टू प्लस वन बाय टू, तो ये हमारा आ रहा है 5/2. 5/2 को मैं लिख सकती हूँ माइनस माइनस 5/2, माइनस माइनस प्लस होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. माइनस एंड माइनस 5 इज बी. अगर मैं इसे कंपेयर करूंगी, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी जे, तो आपका ए 2 आ रहा है, बी आपका माइनस 5 आ रहा है, सी आपका माइनस 14 आ रहा है और डी आपका 8 आ रहा है. तो यहाँ पे देखिए माइनस 5, माइनस 5 है आपका बी और 2 है आपका ए, तो आप इसे माइनस बी अपॉन ए लिख सकते हैं. एक रिलेशनशिप आपका वेरीफाई हो गया. दूसरा रिलेशनशिप, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 इंटू 4. ये हमने तीनों जीरोज ले लिया. इसे सिंप्लीफाई करके माइनस 7 आ रहा है, विच कैन बी रिटन एज माइनस 14 बाय 2. इसे माइनस 14 बाय 2 भी लिख सकते हैं. माइनस 14 इज द वैल्यू ऑफ सी एंड 2 इज द वैल्यू ऑफ ए, तो वी कैन राइट इट एज सी अपॉन ए. तो एक और रिलेशनशिप आपका वेरीफाई हो गया कि ये आपका सी अपॉन ए के इक्वल होता है. अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्रूफ हो गया. नेक्स्ट इट इज अल्फा बीटा गामा. अल्फा बीटा गामा मल्टीप्लीकेशन ऑफ द जीरोज हमने की है, तो माइनस 4 हमारा है. माइनस 4 कैन बी रिटन एज माइनस 8 बाय 2, जिसको मैं माइनस डी अपॉन ए भी लिख सकती हूँ. देखिए यहाँ पे डी की वैल्यू है 8 और ए की वैल्यू है 2, तो आपके ये तीनों ही रिलेशंस प्रूफ हो गए हैं, वेरीफाई हो गए हैं. ठीक है,
चलिए आगे हम करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये दिया गया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आपको इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं और आपको ये बताना है कि इसके जीरोस की और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप ठीक आता है कि नहीं आता, वेरीफाई कर रहा है रिलेशनशिप। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स वी कैन राइट -2x एज -4x +2x। स्प्लिट करते हुए हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस टर्म को सॉल्व करके आपका -2 ही आना चाहिए। तो हम इसे सॉल्व करके देखते हैं, जब हमने -4x को सॉल्व किया -4x +2x तो ये कितना आया -2x, प्लस माइनस माइनस इन साइन आपका -4 का आ जाएगा। ओके, तो अब हमने क्या किया, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, हेयर इट इज x -4 लेफ्ट, और इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, ये आपका क्या बचा अंदर x -4। इन दोनों टर्म्स में से हमने अगेन x -4 कॉमन ले लिया बिकॉज इट इज कमिंग इन कॉमन, x-4 आपका अंदर बचता है x+2 हमने लिख दिया इज इक्वल्स टू जीरो। तो आपके दो जीरोस कैसे आएंगे, x+4 इज इक्वल्स टू जीरो, देन x इज इक्वल्स टू -4, एंड x+2 इज इक्वल्स टू जीरो, देन x इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो अब जब हम इसको इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यू को, ये आपका x-4 है तो ये आपका प्लस का 4 आएगा, दो जीरोस हमारे आ रहे हैं x इज इक्वल्स टू -2 एंड x इज इक्वल्स टू 4। हेयर एक जीरो को मैं अल्फा लिख दूंगी और एक जीरो को मैं बीटा लिख दूंगी, अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस होते हैं। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है x²-2x-8, इसको हमने जनरल इक्वेशन ax² + bx + c से कंपेयर किया तो a की वैल्यू आती है 1, b इज इक्वल्स टू -2 एंड c इज इक्वल्स टू -8। इनके बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो इट इज अल्फा प्लस बीटा, जीरोस को ऐड कर दिया, -2 + 4। ओके, तो दिस इज, ये आपका क्या बन गया, 2 आ गया। 2 को मैं लिख सकती हूँ -2 - 2/2 1। तो यहाँ पे देखिए -2 इज द वैल्यू ऑफ b, b की वैल्यू -2 है एंड a की वैल्यू 1 है। तो मैंने क्या प्रूफ किया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, जो कि रिलेशन होता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में। यार अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने किया -2 × 4, वो आपका -8 आता है विच इज इक्वल टू c/a। सी की वैल्यू देखिए यहाँ पे -8 है और a की वैल्यू आपकी 1 है, तो आप इसको लिख सकते हैं a की वैल्यू ये रही, c की वैल्यू ये रही -8, तो ये आपका वेरीफाई हो गया, इट इज वेरीफाइड, ये वाला क्वेश्चन वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अगेन इसका क्वेश्चन नंबर 2 लेके देखिए, t²-15। अब देखिए इसमें हम एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे, वी नो डेट a² - b² इज इक्वल्स टू a+b × a - b, ये हमारी आइडेंटिटी है, हमें पता है। अब इसके जीरोस निकालने के लिए मैं इसको जीरो के इक्वल पुट करूंगी, t²-15 इज इक्वल्स टू जीरो। मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, और t+√15 एंड t-√15, इट मीन्स मैंने 15 को क्या लिखा, 15 इज इक्वल्स टू, मैं इसे लिख सकती हूँ √15² स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, 15 इज इक्वल टू 15। तो मैंने t²-15 में a² - b² वाली आइडेंटिटी पुट की है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, t की वैल्यू देखिए क्या आएगी, यहाँ से आपकी -√15 आएगी, यहाँ से आपकी +√15 आएगी। हियर वी हैव, अगर मैं इसे ax² + bx + c से कंपेयर करूँ तो ये आपका क्या आता है, a = 1 एंड b = 0, क्योंकि t की टर्म इसमें नहीं है, c विच इज कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू -15। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, हमने ये जीरोस आई हैं, जीरोस का हमने सम किया -√15 + √15, तो ये जीरो आया है विच इज इक्वल्स टू -b/a, क्योंकि b की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे आपका जीरो आ गया। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आपका कितना आया है देखिए, -√15 × √15 = -15 विच इज c/a। यहाँ पे देखिए c की वैल्यू -15 है, तो c की वैल्यू -15 एंड a इज 1, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, तो आपका अल्फा बीटा c/a के इक्वल आ गया है और अल्फा प्लस बीटा आपका -b/a के इक्वल आ गया है। तो इस तरह से आपके एग्जाम में रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए कहा जाता है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स कोफिशिएंट एंड इट्स जीरोस। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे इसे। अगर आपको क्यूबिक इक्वेशन दी गई है तो उस केस में क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, क्या लिखा है, वेरीफाई डेट 5 - 2 and 1/3 आर दी जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल 3x³ - 10x² - 27x + 10।
ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट जीरोज एंड कोफिशियंट्स. तो सबसे पहले तो आपको ये वेरीफाई करना है कि ये जो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है इसके ये तीन जीरोज है, 1, 2 एंड 3. थ्री जीरोज इसी के हैं, ये आपको प्रूफ करना है. तो ये वेरीफाई हम कैसे करेंगे, मैंने पहले भी कहा था इसको हम पीएक्स ले लेते हैं. px इज इक्वल्स टू दिस इक्वेशन. मैंने क्या किया, एक एक करके वैल्यूज पुट की. p5 x की जगह 5 पुट कर दीजिए तो 3 5 क्यूब इज इक्वल्स टू -10 5 स्क्वायर -27 x की जगह अगेन 5 प्लस 10. जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगी तो ये आपका क्या आएगा, 0 आएगा. p -2 अगेन पुट -2 इन प्लेस ऑफ x, यहां पर भी आपकी वैल्यू 0 आ रही है. एंड p 1/3 पुटिंग 1/3 इन प्लेस ऑफ x, इट इज ऑल्सो कमिंग 0. क्योंकि तीनों को ही सिंप्लीफाई करके आपका 0 आ रहा है, देयरफॉर 5 -2 एंड 1/3 आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल व्हिच इज px, ये वाला जो पॉलिनोमियल आता है. अब सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट जीरोस एंड कोफिशिएंट्स. इसके जीरोस और कोफिशिएंट में आपको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है. ये रिलेशनशिप क्या होता है हमें पता है. देखिए जो आपके जीरोस हैं वो है अल्फा बीटा गामा विच इज 5 -2 एंड 1/3. अब ये जो आपको पॉलिनोमियल px दिया गया है इसको मैंने ax³ प्लस bx² प्लस cx+d से कंपेयर किया तो मेरे पास a b c और d की वैल्यू पर आ गई है रेस्पेक्टिवली 3 -10 -27 एंड 10. अब मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करूंगी, सम ऑफ जीरोज निकालूंगी. सम ऑफ जीरोज मेरा आ रहा है -10/3 विच इज इक्वल्स टू -b/a. देखिए यहाँ पे -b, अगर मैं -b पुट करती हूँ, -10 अपॉन a की वैल्यू है आपकी 3, तो -- प्लस हो जाएगा 10/3. तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के इक्वल आ रही है, इट मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू -b/a. अगेन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इट मींस मल्टीप्लाई अल्फा विद बीटा प्लस मल्टीप्लाइंग बीटा विद गामा प्लस मल्टीप्लाइंग गामा विद अल्फा. इसे हमने कैलकुलेट किया तो ये आपका -27/3 आ रहा है विच इज इक्वल्स टू c/a. c की वैल्यू है आपकी देखिए -27 ये रही, और a की वैल्यू है आपकी 3. तो मैं कह सकती हूँ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू c/a. इसी तरह से देखिए अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू 5 -2 1/3 विच इज इक्वल्स टू -10/3 विच इज इक्वल्स टू -d/a. देखिए d की वैल्यू आपको क्या दी गई है, d की वैल्यू है आपकी 10, और अगर अगेन फिर आप इसको 10 रखेंगे तो ये आपकी 10/3 ही आ जाएगी. ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू -d/a. ये -d/a की इक्वल है बिकॉज इट इज 10/3, और ये भी आपका 10/3 है, ये भी आपका प्लस में आएगा पॉजिटिव 10/3. ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए. अगर आपको लगा हो कि वीडियो आपके काम की है और आपके फ्रेंड्स के भी काम आ सकती है तो इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों को ये पढ़ने को मिल सके. एंड सब्सक्राइब माय चैनल. इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू.